नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। शिवरात्रि दिव्य और चमत्कारी शिव कृपा का महापर्व है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। इस दिन महादेव की कृपा जिस पर हो जाए बस उसका जीवन खुशियों से ही भर जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार शुक्रवार 8 मार्च को मनाया जाएगा। तो वहीं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। पड़ोस के मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान में भी महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की धूम रहेगी। जय भोलेनाथ के गगनभेदी उद्घोष श्रद्धालु लगाएंगे। पाकिस्तान में मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि समारोह के लिए बड़ी संख्या में हिंदुओं का जत्था वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत से लाहौर पहुंच गया है। पाकिस्तान के ऐतिहासिक मंदिर में पर्व के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान में महाशिवरात्रि समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेने के लिए 62 हिंदू बुधवार को वाघा बॉर्डर सीमा के रास्ते भारत से लाहौर पहुंचे। ईवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने इस संबंध में बताया है कि महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेने के लिए कुल 62 हिंदू तीर्थयात्रा बुधवार को भारत से लाहौर पहुंचे हैं। आमिर हाशमी ने कहा कि ETPB द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि का मुख्य समारोह 9 मार्च को लाहौर शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर चकवाल में मनाया जाएगा। चकवाल में ऐतिहासिक कटास राज मंदिर है, यहां भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वाघा में धार्मिक स्थलों के अतिरिक्त सचिव राणा शाहिद सलीम ने विश्वनाथ बजाज के नेतृत्व में आए हिंदुओं का स्वागत किया। तीर्थयात्री 10 मार्च को लाहौर लौटेंगे और 11 मार्च को वे कृष्ण मंदिर, लाहौर किला और लाहौर के अन्य ऐतिहासिक स्थानों का दौरा करेंगे। वे 12 मार्च को भारत लौटेंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए एक द्विपक्षीय समझौता है, जिसके तहत भारत से सिख और हिंदू तीर्थयात्री हर साल पाकिस्तान जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के तीर्थयात्री भी इसी समझौते के तहत हर साल भारत आते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सिख समुदाय के लोग स्वर्ण मंदिर के दर्शन करते हैं। पाकिस्तान के तीर्थयात्री अजमेर में ख्वाजा जी की दरगाह के दर्शन भी करते हैं। ईवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रवक्ता आमिर हाशमी हैं। ETPB एक वैधानिक बोर्ड है जो विभाजन के बाद भारत आ गए हिंदुओं और सिखों के धार्मिक संपत्तियों और मंदिरों का प्रावधान करता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बना ये कटास राज मंदिर कटास नाम के तालाब से घिरा हुआ है, जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। ये परिसर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोटोहर पठार क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि मंदिर का तालाब शिव के आंसुओं से बनाया गया था, जब वे अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद गमगीन होकर पृथ्वी पर भटक रहे थे। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।